मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने एक्सरसाइज 2.5 करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 29.53 टू गेट 22.87। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम 29.53 में से ऐसा क्या, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास ये आ जाए। तो ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि 22 से 29 कितना बड़ा है। तो ये जानने के लिए क्या करना होगा, 29 में से 22 माइनस करना होगा। चलो हम करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें क्या बोला गया था कि 29.53 में क्या माइनस करें कि हमें पास 22.87 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 29.53 में से 22.87 को माइनस करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा 22.87 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं 29.53, यहाँ पर हम लिखेंगे 22.87 माइनस, तो 13 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, 6। फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास, 5 है, इसे हमने कैरी लिया था तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। यहाँ 9 है, 8 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6.66 आ गया हमारे पास। तो 29 में से हम 22 माइनस करेंगे, मतलब हमें 29 में से 6.66 को माइनस करना होगा तब हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी शुड सब्ट्रैक्ट वी शुड सब्ट्रैक्ट 6.66 फ्रॉम 29.53 टू गेट 22.87। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 23.48 एंड 10.713 ग्रेटर देन देयर डिफरेंस। ये पूछा है कि इन दोनों नंबर्स का सम कितना बड़ा है इन दोनों नंबर के डिफरेंस से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों का सम करना होगा। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारे पास नंबर कौन कौन, सबसे पहले लिखेंगे द सम ऑफ 23.48 एंड 10.713। तो इनको ऐड करेंगे हम, 23.48 प्लस 10.713 इक्वल में जो भी आंसर आएगा हम लिख देंगे। तो अभी हम ऐड करते हैं 23.48 में 10.713, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 3 819, 7 प्लस 4 कितना होता है, 11, 1 कैरी 4, यहाँ क्या आ जाएगा, 2। 24.193 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारा ऐड करने पे। अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं जो हमारा ऐड करने पे आया है आंसर, 24.193। तो अब क्या लिखेंगे आगे, द डिफरेंस ऑफ 23.48 एंड 10.713। तो देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 23 या 10, 23। तो हम लिखेंगे 23.48 माइनस 10.713। पीछे चाहे कितने भी डिजिट्स हो, हमें आगे के डिजिट से देखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो देखो जो भी आंसर आएगा हम यहाँ लिख देंगे, उससे पहले हमें माइनस करना होगा 23.48 में से क्या माइनस करना है, 10.713। तो देखो इनके बाद अगर हम ज़ीरो भी लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम लगा देंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है। तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7।
यहाँ पे सेवन हो गया, सेवन में से वन गया तो सिक्स, तो यहाँ फोर है, वन कैरी ले लेंगे, फोर्टीन में से सेवन जाएगा तो सेवन, यहाँ हो जाएगा ये टू और ये वन, 12.767 हमारा आंसर आया। तो हमारा आंसर जो ये आया इसे हम यहाँ लिख देंगे 12.767। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन पे आंसर आ गया और ये एडिशन पे, तो इनके भी डिफरेंस कितना है, ये वाला जो आंसर है वो कितना छोटा है इस वाले आंसर से। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, ट्वेंटी फोर पॉइंट वन नाइन थ्री माइनस 12.767, तो जो भी आंसर आएगा वो हम लिख देंगे 24.193 माइनस, यहाँ माइनस कर लेते हैं डायरेक्टली 767, 13 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा 6, 8 में से 6 गया तो 2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 पॉइंट, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 2, यहाँ पे देखो 2 प्लस 1 3 होगा, इसे मैंने 2 लिख दिया था, ये मिस्टेक हो गई थी, तो आप इसे 3 कर लो, 34193, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 2, 21.426, ये हमारा क्या है आंसर हो गया। तो यानी इनके बीच इतना डिफरेंस है, तो आप ये लिख सकते हो कि 21.426 यहाँ से लिखो द सम ऑफ 23.48 एंड 10.713 इज 21.426 ग्रेटर देन इट्स डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।